न्यूज एजेंसी रॉयडर्स के मुताबिक एस्टोनिया के करीब रूस के स्कोव शहर पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हुए। दावा किया गया कि वहां एक एयरपोर्ट को निशाना बनाकर 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, जिनमें रूस के 4 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। इस हमले के वीडियो भी सामने आए, जिनमें जोरदार विस्फोट के बाद वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और धुएं के गुबार ने आसमान पर कब्जा जमा लिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह अटैक यूक्रेन से करीब 600 किलोमीटर दूर नेटो सदस्य देश एस्टोनिया के नजदीक रूस के स्कोव शहर के एयरपोर्ट पर हुआ, जिसमें वहां खड़े 4 एयरक्राफ्ट जलकर राख हो गए। हालांकि रूस की सेना ने दावा किया कि उनके सैनिकों ने उस एयरपोर्ट पर छोड़े गए सभी ड्रोन मार गिराए, लेकिन ड्रोन का मलबा उन विमानों पर गिरने की वजह से आग लग गई। इधर यूपी के हापुड़ में वकीलों पर हुए पथराव की घटना के विरोध में अलीगढ़ में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। एक रोज पहले हापुड़ में एक महिला वकील के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कई वकीलों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। और इसी लाठीचार्ज के विरोध में अलीगढ़ के वकीलों का गुस्सा भड़क गया और उन लोगों ने पुलिस के जवानों पर पथराव किया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ वकील सड़क जाम करके नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि इस दौरान कुछ वकील उन लोगों को पुलिस फोर्स के पास जाने के लिए मना करते दिखे, लेकिन वो नहीं माने और पत्थरबाजी करने लगे। हालांकि किसी तरह उन लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया गया। वकीलों ने हापुड़ के सीईओ को सस्पेंड करने की मांग की। सीईओ पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। एक रोज पहले सड़कों पर वकीलों ने महिला वकील के खिलाफ केस दर्ज होने के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस के जवानों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। और लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन की आग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक फैल गई। वहां भी वकीलों ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल किया। इस दौरान पुलिस के जवानों की उनके साथ झड़प हो गई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वकीलों की भीड़ आगे की तरफ बढ़ती नजर आई। इसी बीच उनमें एक वकील ने सड़क किनारे बने एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर लात मार दी, जिसके बाद उनके साथ चल रहे पुलिस के जवानों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की तो उन वकीलों ने जवानों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोप है कि वकीलों ने प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजर रहे लोगों के साथ बदसलूकी भी की। कुछ रोज पहले हापुड़ में एक महिला वकील पर एक पुलिसकर्मी की वर्दी पर लगे नाम के बैज को उखाड़ने का आरोप लगा था। बाद में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उसी के विरोध में जब वकीलों ने प्रदर्शन किया तो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गो तस्करी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उनमें एक आरोपी ने बचकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसके तत्काल ही नजदीकी चिकित्सालय में उपचार हेतु दाखिल कराया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए बदमाश ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। इस बीच पंजाब से लगने वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने ड्रग्स तस्करी की साजिश नाकाम कर दी, जिसके तहत ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। आरोप है कि पाकिस्तान के रास्ते भारत में ड्रग्स लाने की साजिश रची गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के गुरदासपुर से 7 किलो ड्रग्स बरामद किए। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने वहां से 7 पैकेट ड्रग्स जब्त किए। इनमें हेरोइन के 6 पैकेट थे, जिनका वजन करीब 6 किलो 300 ग्राम बताया गया। बीएसएफ को बॉर्डर इलाके में ड्रग्स छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके तहत पंजाब के गुरदासपुर जिले के दोस्तपुर गांव से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए और बॉर्डर इलाके से ड्रग्स तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया गया।